हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अक्षत श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल का जो है एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। यदि आप फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस यदि एडिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो इनका अक्षत श्रीवास्तव का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे इनका जो लेटेस्ट वीडियो है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इनकी जो वीडियोस हैं वो फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमेशन आपको नहीं देखने मिलेगा। बहुत ही एकदम सिंपल एंड सोबर टाइप का आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने मिलेगा। तो यदि आप इस टाइप का यदि कोई भी वीडियोस एडिट करना चाहते हैं आप, या खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए, तो आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को प्ले करते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। बहुत ही स्मूथ एनिमेशन है और यहाँ पे जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ यहाँ पे बनाया गया है। तो ये चीज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो सिंपल आपका, मैं फिर से प्ले कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो सिंपल यहाँ पे ये जो है टेक्स्ट है रिवील होकर के आ रहा है नीचे से, एंड ये जो इमेजेस है नीचे से ऊपर की साइड में आई हैं, और बहुत ही स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है। देन इसके बाद में ट्रांजिशन आ जाता है। तो सिंपल ये एनिमेशन आपको क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। अब ये मैं जो प्रोजेक्ट पैनल पे जाऊँगा, अब सिंपल हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो सेम एनिमेशन था वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग योर सैलरी इन द स्टॉक मार्केट, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पीछे के साइड में जो है ब्लर है सीन। तो सेम ऐसा एनिमेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया। सिंपल हमने राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसका जो स्ट्रोक है वो ऑफ रखेंगे हम, फिल को ऑन कर देंगे। देन इसका जो कलर है सेम कलर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, जो कलर उसमें दिया गया था तो सेम कलर हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल जो है तो वो यहाँ पे ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल राउंडेड रेक्टेंगल कैसे जाएंगे, रेक्टेंगल पाथ भी आपको जाना है और राउंडनेस को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ पे समथिंग हम थोड़ा सा राउंडनेस बढ़ाएंगे, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है हमको। तो यहाँ पे हमने 15 कर लिया है। अब सिंपल इसके ऊपर हमको टेक्स्ट लिख देना है, जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं। लाइक जैसे कि हमें लिखना है इन्वेस्टिंग योर सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो ये जो फॉन्ट है इसको हमको चेंज करना है, तो सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया और ये पहले तो हम छोटा कर लेते हैं इसको। देन इसके बाद में हमें इस फॉन्ट को जो है हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्यूज़ यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूज़ का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे बोल्ड, एंड मैं ऑल कैप्स ऑन कर दूंगा। देन इसके बाद में इसको छोटा कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने जो यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे हम इसको, 120 कर देते हैं। एंड इस टेक्स्ट को और इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सेंटर कर दिया है इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। तो हमने इसको ग्रे कलर कर दिया। ठीक है, ग्रे और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यहाँ पर हम। तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। देन इसके बाद में हमें थोड़ा सा यदि लग रहा है फॉन्ट को और ज़्यादा बोल्ड करना है, तो सिंपल हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकते हैं। तो अभी ठीक है फॉन्ट, अब इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे और लिखना है इन द स्टॉक मार्केट, ये टेक्स्ट और ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब ये इसका जो कलर है वो हम चेंज करके सेम कलर यहाँ पर रखेंगे। तो ये देखिए, अब इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इतना साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेंटर कर लिया है। तो ये चीज़ जो यहाँ पे हो चुकी है, अब इसके बाद में जो नीचे के जो इमेजेस वगैरह थे तो उनको एनिमेशन जो है आपको कैसे करना है कि सिंपल आपको वो चीज़ को एनिमेट करना है। तो सिंपली आप जैसे सपोज मान के चलिए कि हम कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं BSE की, जो इसमें यूज़ की गई है। ठीक है, BSE जो बिल्डिंग है वहाँ की जो इमेज है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है और ये नोट है, तो इसको हमको डाउनलोड कर लेना। तो समथिंग हमने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। देन इमेजेस पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए, ये इमेज आ चुकी है यहाँ पे। तो ये इमेज को हम सिंपल डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर ये वाली डाउनलोड कर लेंगे जो इसमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी इमेज आप करना चाहते हैं, तो फाइनल पहले उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, और इसके साथ साथ आपको PNG भी करना रहेगा इसको, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे PNG यूज़ की गई है। तो यहाँ पे ये इमेज ठीक लग रही है, तो सिंपल आप इसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे रिमूव BG पे जाएंगे। ठीक है, रिमूव BG पे जाएंगे, देन यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, तो यहाँ से हम PNG जो है इसके डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखें, तो यहाँ पे PNG इमेज मिल गई, तो सिंपल इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे चाहिए हमको 500 रुपी नोट। ठीक है, अभी हमको 500 रुपीज़ का नोट भी चाहिए, तो ये हमने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लिया
अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हाई क्वालिटी चूज़ कर लेते हैं, साइज़ लार्ज कर देंगे, यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेंगे तो हाई क्वालिटी के जो है यहाँ पे नोट्स हमको मिल जाएंगे। देन इसको हम कॉपी करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम जाएंगे इसको कॉपी इमेज एंड यहाँ पे जा कर के पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरा जो हाई क्वालिटी का यहाँ पे हमको इमेज देखने मिल जाएगी। देन इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद में हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे जो है वो इमेजेस को जो है हम इम्पोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो हमने इम्पोर्ट कर दी है। अब सिंपल हो क्या रहा है कि इसको साइज़ जो है थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, समथिंग इतना कर देंगे। अब ये इमेज थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप हो रही है, ये पूरी इमेज होनी चाहिए थी यहाँ तक। और इसके बाद में जो 500 रुपीज़ का नोट है इसको, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो अब इसको क्या करना है हमें कि इसको एनिमेट करना है। तो सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे एक सेकेंड पे आकर के हमने यहाँ पे की लगा दी, हाँ तो पोजीशन की लगा दी मैंने इसमें। देन यहाँ पे आकर के हमने इसको नीचे कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नीचे चली गई। अब ये एनिमेट कैसे हो रहा है, इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब सिंपल हमको इसको F9 कर देना है और F9 करने के बाद में सिंपल यहाँ पे आना है ग्राफ एडिटर पे। और यदि ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही आपको तो यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ पे आ जाना, तो ये चीज़ दिखने लग जाएगी। देन इसके बाद में इसको आगे के साइड में ड्रैग कर देंगे तो एनिमेशन बहुत ही स्मूथ होगा। ये देखिए इस तरीके से एनिमेशन होगा, काफ़ी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे देखने को लग रहा है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग अलग थी उसमें, बट हमने एक साथ कर दिया, बट मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपको ये जो है एनिमेट करना है। ठीक है, देन इसके बाद में आप यदि वीडियो में देखोगे तो वीडियो में हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। तो ये देखें ये नोट जो है मूव कर रहा है, तो नोट कैसे मूव कराएंगे हम, तो सिंपल नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर रोटेशन पर जाएंगे, सिंपल मैंने शिफ्ट के साथ में आर प्रेस किया तो देखो रोटेशन की भी आ गई है। अब ये चीज़ आकर के यहाँ पर रोटेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये चीज़ आएगी, अब ये यहाँ पे रोटेट होता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, इसको मैंने इजी ईज कर दिया। अब ये देखें ये इस तरीके से रोटेट होता रहेगी। अब इसका जो एंकर पॉइंट है, आप चाहो तो एंकर पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पे रख सकते हो। ठीक है, ये देखो आप ये एंकर पॉइंट यहाँ पे रख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें इस तरीके से ईजी मूव होती रहेंगी। अब जितना स्लो रखना है आप उतना स्लो रख दो, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से पूरा मूव करते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस यहाँ पे क्या चाहिए, एक पीछे बैकग्राउंड चाहिए जो कि ब्लर रहे, है ना, जो भी वीडियो वगैरह रहेगी तो उसके पीछे जो है ब्लर बैकग्राउंड रहेगा। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे इस इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब ये देखिए इस इमेज को हमने इम्पोर्ट कर लिया, अब हमें दिखाना है पूरा ब्लर दिखाना है इसको। अब यदि आप वीडियो में देखोगे तो वीडियो में समथिंग आपको यहाँ पर थोड़ा सा डार्क इमेज देखने मिल रही है, यदि आप देखोगे यहाँ पर तो ये देखो, है ना, डार्क इमेज देखने मिल रही है। तो डार्क कैसे हो रही है, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिंपल क्या करना है कि न्यू एक सॉलिड लेना है, सॉलिड ब्लैक कलर आपने चूज़ कर लिया। देन इसके बाद में उसको नीचे लेकर के आ जाएंगे उस इमेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उस इमेज के ऊपर जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है तो अब आपको यहाँ से जो है इसकी ओपेसिटी पे की लगा देनी। ठीक है, ये हमने 100% पे की लगा दी, अब इसको यहाँ पे कर दिया 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे धीरे से ब्लैक हो रही है, बट यहाँ पे इसको 100% नहीं करके हम इसको कर देंगे समथिंग 70%। ठीक है, एंड यहाँ पे चाहिए हमको एक एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट लेयर को नीचे लेकर के आएंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें डालना है इफेक्ट गॉजियन ब्लर। ठीक है, तो ये हमने गॉजियन ब्लर डाल दिया। अब सेम टाइमिंग पे हम जो है इसको यहाँ पे गॉजियन ब्लर का की लगा देंगे। ठीक है, ये देखो सेम टाइमिंग पे हमने यहाँ पे की लगा दी थी, ये पूरा यहाँ पे ब्लर हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया पूरा, ये आप देखो इस तरीके से सीन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे बचा इन दोनों का एनिमेशन, ये टेक्स्ट का एनिमेशन हमने नहीं किया यहाँ पे। तो सिंपल टेक्स्ट का एनिमेशन कैसे करना है कि यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये टेक्स्ट और ये जो सेप है, तो इन दोनों को हमको पेरेंट कर देना। तो सिंपल हमने इसको पेरेंट कर दिया इससे, तो अब हमारा जो टेक्स्ट है और सेप है दोनों एक साथ मूव करेगा। देन इसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेप बना दिया, ये देखो हमने एक सेप क्रिएट किया। अब यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, इसका मूवमेंट कर देना है, किसका, इस सेप का। तो यहाँ पर हमने किया इसका मूवमेंट 15 फ्रेम पर, हम इसमें की लगा दी पोजिशन की हमने, ये देखो पोजिशन की लगा दी। देन इसके बाद में इसको नीचे कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सेप को ट्रैकमेट कर देंगे हम, किससे, यहाँ पे इससे ट्रैकमेट कर देंगे इस शेप को। तो अब देखो जैसे हमने ट्रैकमेट किया तो वो चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो है शेप जो है यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको हमने यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया। अब बाहर नहीं दिखाई देगा, वहाँ जाके ऊपर दिखाई देगा। अब सेम चीज़ हम टेक्स्ट के साथ में कर देंगे इन्वेस्टिंग वाला, तो ये देखो टेक्स्ट के साथ में हमने कर दिया, अब बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो बाहर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे दिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, F9 कर दिया, इजी इज कर दिया और थोड़ा सा आगे के साइड में ड्रैग कर देंगे ये। ठीक है, तो एनिमेशन देखो कितना अच्छा होगा, ये देखो इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा। अब सेम चीज़ करेंगे हम यहाँ पे इस टेक्स्ट के साथ में, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेप बना दिया यहाँ पे। ठीक है, सेप क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे।
अब हमने क्या करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से इसमें हम की लगा देंगे, ठीक है। तो पोजीशन की हमने लगा दी यहाँ पे की, देन इसके बाद में आ जाएंगे फर्स्ट फ्रेम पे, उसको कर देंगे नीचे, और इसके बाद में इस टेक्स्ट को कर देंगे हम ट्रैक मैट, किससे, सेकेंड वाले शेप से। अब यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दें तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको भी इजीज कर देंगे हम, सिंपल इजीज कर दिया हमने, और आगे के साइड में इसको भी हम कर देंगे ड्रैग, ये देखो। तो अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। सेम टाइप का एनिमेशन मिल गया देखने के लिए। अब आपको चाहिए तो यहाँ पे आप जो है इसकी जो कीज़ हैं आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप कीज़ देख सकते हो, इनको आपने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो, ओके। तो ये वाला जो एनिमेशन हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, और भी इस टाइप के काफ़ी सारे एनिमेशन है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि एक शेप बना लेना है, ठीक है, एक आप शेप बना लो, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो कि एक आपने ले लिया यहाँ पे ट्रिम पाथ आपने क्रिएट करना है आपने, ठीक है। तो एक आपने पेन टूल से एक शेप क्रिएट किया, देन इसके एक लाइन क्रिएट करी, देन इसके बाद में इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देना है। तो ये देखो हमने यहाँ पे स्ट्रोक इसका बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें डाल दिया ट्रिम पाथ, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया ट्रिम पाथ। अब ट्रिम पाथ में क्या करेंगे हम कि सिंपल हमने यहाँ पे 15 फ्रेम पे आकर के हमने एंड की लगा दी, और स्टार्टिंग पे आकर के इसको ज़ीरो कर दिया, एंड यहाँ से आधे में आकर के यहाँ पे हमने की लगा दी, और यहाँ पे जाकर के आगे जाकर के हम जो यहाँ पे इसको 100% कर देंगे। तो ये देखो इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो इस की को थोड़ा सा और आगे करना है हमें, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी अच्छा देखने मिल जा रहा है, बस इसको हमको करना है स्मूथ। तो हमने इजीज कर दिया है, ये देखो इस तरीके का एनिमेशन हमको देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस कलर का आपको ट्रांजिशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कलर देख लेते हैं, देन इसके बाद में ग्रे और वाइट कलर का दिख रहा है, डार्क ग्रे और वाइट। तो सिंपल हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करने के बाद में ऊपर वाले लेयर को थोड़ा पीछे कर दिया, और नीचे वाले लेयर का जो कलर है हमने कर दिया यहाँ पे ग्रे, ठीक है। अब आप देखो एनिमेशन, ये देखो इस तरीके का ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने मिल गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन आप यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इनकी इसको यहाँ पे थोड़ा सा खिसका देंगे यहाँ पे, तो और स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। ये देखो काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन यहाँ पे हमारा लग रहा है देखने में, ओके। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांजिशन वगैरह भी बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें किस टाइप के एनिमेशन क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल पोजीशन जो है, पोजीशन से नोट को एनिमेट किया गया है, देन यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। एक शेप पे पीछे लगा हुआ टेक्स्ट आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एनिमेशन नहीं है, आप इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी आपको वही देखने मिला, नोट की पोजीशन जो है यहाँ पे एनिमेट किया गया पोजीशन से इसको, और यहाँ पे ये शेप के पीछे मतलब टेक्स्ट के पीछे शेप आ चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो लाइट लीक है, तो लाइट लीक भी आप बहुत ही इजी तरीके से जो है यूज़ कर सकते हो। सिंपल क्या करना है आपको, लाइट लीक बहुत सारी मिल जाएंगे, तुमको डाउनलोड कर लेना है, देन इसको एज अ ट्रांजिशन यूज़ कर लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि मैंने अपने फ्री बंडल में काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं कोर्स के अंदर, है ना, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हाई क्वालिटी की लाइट लीक वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह, ओवरलेज वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने मिल जाती हैं। तो यदि आप लोगों ने कोर्स में इनरोल किया है तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से प्रीमियम एसेट्स वाले बंडल से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर क्रिएट किया गया। तो ऐसा आप बैकग्राउंड बहुत ईजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको सिंपल ये बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक न्यू सॉलिड मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब सॉलिड किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है। अब वो सॉलिड क्रिएट करने के बाद में मेरे को इसमें इफेक्ट अप्लाई करना है ग्रिड, तो ये मैंने ग्रिड यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो देखिए काफ़ी अच्छी जो ग्रिड है आपको देखने मिल जाती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, कॉर्नर पॉइंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे विड्थ स्लाइडर कर देना है। अभी देखिए बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे ग्रिड आपको देखने मिल जा रही है। देन इसके बाद में एक सॉलिड क्रिएट कर लेना आपको बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड के लिए एक सॉलिड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो ये देखो आप, हमने एक सॉलिड क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये सॉलिड को हम रखेंगे नीचे, देन ये जो ग्रिड है, अब इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर दी इसकी ओपेसिटी समथिंग 8 या फिर हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड आपका रेडी हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रिड रेडी हो चुका है। अब सिंपल आप इसको चाहो तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ से इसकी जो हाइट वगैरह है, विड्थ वगैरह ही आप यहाँ से एडजस्ट करते हो। छोटा करना चाहते हो छोटा कर दो, बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर दो। अब इन दोनों को आपको कर देना प्रीकॉम। अब प्रीकॉम करने के बाद में सिंपल करना क्या है आपको कि यहाँ पे जितना पार्ट आप दिखाना चाहते हो, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने ये यहाँ से
इतना पार्ट दिखाना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपने ये पार्ट दिखाना, तो सिंपल आपने इसको मास्क कर दिया। तो अब ये देखिए बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड आपका यहाँ पे रेडी हो गया, जैसे आपने उसमें देखा वीडियो में। तो ये देखिए वीडियो में यहाँ पे ये देखने मिल रहा है पीछे बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्स्ट वगैरह है सिंपल, आप ये सब टेक्स्ट वगैरह वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है। यदि आपको चाहिए कि ग्रिड वगैरह आपके यहाँ पे, जैसे इसमें थोड़ा सा तिरछा है तो यहाँ पे भी रहे, सिंपल आप डबल क्लिक करके इसके अंदर आओगे, जो ग्रिड है तो ग्रिड को थोड़ा सा जो है आप रोटेट कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा आपने इस तरीके से रोटेट कर दिया, एंड रोटेट करने के बाद में जो है यहाँ पे इसकी साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा दोगे ऐसे, ठीक है। साइज़ बढ़ा दिया, अब आपने ग्रिड की साइज़ जो छोटा करना है तो छोटा कर लो आप आराम से, और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा तरीके से वैसे यहाँ पे सेट हो गया। और आपको कम करना है तो सिंपल आपने इसकी जो ओपेसिटी है तो वो और ज़्यादा कम कर देना, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम करना है तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, एंड बाहर देखोगे तो आप वो चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर आप डायरेक्टली लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि हम आगे देखते हैं। और तो यहाँ पे सिंपल स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है केवल, ये सिंपल स्क्रीनशॉट चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सेप है, सेप के ऊपर वीडियो को जो है ट्रैकमेट कर दिया गया है राउंडेड कॉर्नर करके, तो बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पे। अब ये चीज़ जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है, कर्सर से जो है यहाँ पे माउस का यूज़ किया गया है, तो ये केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो ऐसा आप भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ज़्यादातर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो एनिमेशन हो रहा है तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का एनिमेशन आपको देखने मिल रहा है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया है उसी टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे आगे देखने मिल रहा है। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पे आप इन एनिमेशंस को जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, सेम ऑलमोस्ट उसी टाइप का एनिमेशन है। तो यदि आप देखोगे तो सिमिलर टाइप का एनिमेशन ही आपको हर जगह देखने मिलेगा, जैसे कि हमने ट्रैकमैट से क्रिएट किया वैसे ही यहाँ पे जो है एनिमेट यहाँ पे हो रहा है। तो वैसे सेम इसी तरीके से अब आगे की जितनी भी चीज़ें आप टेक्स्ट आ रही हैं सारी चीज़ें जो नोट वगैरह दिखाया जा रहा है, फिर PNG कटआउट वगैरह जो भी दिखाया जा रहा है, तो सिंपल उसमें पोजीशन से एनिमेट किया गया, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है आप भी यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।